व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक्ट्रेस सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार और साउथ स्टार धनुष नजर आ रहे हैं। फिल्म में सारा के काम की खूब तारीफ हो रही है। वही हाल ही में सारा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने दुनिया में अपनी सॉफ्ट साइड को छिपाना सीख लिया है। सारा ने अपनी माँ अमृता सिंह के बारे में भी खुलकर बात की। इसके अलावा सारा ने अपने पिता और एक्टर सैफ अली खान की 17 फ्लॉप फिल्मों के बारे में भी खुलासा किया और बताया कि इससे उन्होंने सबक सीखा है। सारा अली खान ने इंटरव्यू में अपनी माँ अमृता सिंह के बारे में खुलासा किया कि कैसे लोगों ने उनके नरम दिल के कारण उन्हें काफ़ी दुख पहुंचाया। अपनी माँ के अनुभव पर बात करते हुए सारा ने कहा कि अपनी माँ के अनुभव के कारण वह अपने सॉफ्ट कॉर्नर को पूरी तरह से छिपाने में उस्ताद बन गई है, ताकि कोई उनका फ़ायदा ना उठा सके। सारा अली खान ने यह भी कहा कि वह अपनी माँ को आदर्श मानती है और उनकी तरह बनना चाहती है। सारा ने कहा, मैं चुलबुली लगती हूँ लेकिन यह भारी है। वास्तव में मैं एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी संवेदनशील हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आत्मविश्वास के साथ अपने सॉफ्ट पार्ट को कैसे छुपाना है। मैं एक सिंगल मदर के साथ परी बड़ी हूँ, तो जीवन में जल्दी समझ गई थी कि यदि आपके पास एक सॉफ्ट दिल है तो आप आसानी से बेवकूफ़ बन जाएंगे। मैं हर दिन अपनी माँ की तरह बनने की उम्मीद करती हूँ, मुझे ताकत वहीं से मिलती है। साथ ही सारा ने यह भी कहा है कि अपने पिता सैफ अली खान की 17 फ्लॉप फिल्मों के बारे में बात की और कहा, मेरी जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर आप खुद के लिए काम करना बंद कर देते हैं तो पहले जॉब कैसे करेंगे। मेरी माँ ने मेरे जन्म से एक साल पहले काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने साल 1993 में फिल्म आईना के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। मेरे पिता ने 17 फ्लॉप फिल्में दी और फिर एक बार मैं कई अवार्ड जीते। उनसे सीखा कि अगर आपका दिल सही जगह पर है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ऐसा कहा। और एक तरफ जहां पर अपने पापा से कुछ उन्होंने सीखा और काम करना सीखा, वही अपनी माँ से कैसे स्ट्रांग बनना है ये सब सीखा। उसी कुछ चीज़ को लेकर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है और इन्हीं सब संस्कारों पर चलते हुए नज़र आ रही है। लेकिन आपका क्या कहना है सारा अली खान के पर्सनैलिटी को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।